हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। कौन सी वाली केमिकल प्रॉपर्टी जो RO और H के बॉन्ड के टूटने से केमिकल रिएक्शन बनते हैं अल्कोहल के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। RO और H के बॉन्ड टूटने से जो केमिकल रिएक्शन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अल्कोहल की वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो R और OH के बॉन्ड टूटने से बनती थी, R और OH के बॉन्ड टूटने से जो केमिकल रिएक्शंस बनते थे उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे RO और H के बॉन्ड जो टूटने से केमिकल रिएक्शंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी, हमने कि जब R और OH का बॉन्ड टूटता है तो मेरे पास R पॉजिटिव बनता है। R पॉजिटिव बनने से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इसको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो जब R और OH का बॉन्ड टूटता है तो जो भी केमिकल रिएक्शंस आते हैं उसमें R एक्ट करता है, अल्कोहल एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। पर जब क्लीवेज ऑफ RO और H की बॉन्ड टूटता है, RO और H का बॉन्ड टूटता है तो RO के पास आता है नेगेटिव चार्ज, RO के पास बनता है अल्कोक्साइड आयन के पास बनता है नेगेटिव चार्ज, तो ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल अपने केमिकल रिएक्शंस में एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों के बीच में बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक अगर ROH में टूटे तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, रिएक्शंस इलेक्ट्रोफाइल वाले रिएक्शंस देगा। अगर RO वाला बॉन्ड टूटता है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल वाले केमिकल रिएक्शंस देता है, ठीक है। यहां तक बात सिंपल है, ठीक है। अब बारी बारी बात कर लेते हैं क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं जो RO और H की क्लीवेज की वजह से बनते हैं हमारे पास, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी। अब पहली बात मैं कर रहा हूं, पहला जो है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, पहली मेरे पास जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है RO और H की बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से वो आती है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। इससे मेरा मतलब क्या, अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, एसिड क्या होता है, एसिड वो है जो H पॉजिटिव रिलीज करे। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, कोई भी कंपाउंड जो H पॉजिटिव रिलीज करता है उसको हम एसिड कहते हैं। चाहे मेरे पास HCl हो, H2SO4 हो, कोई भी है जो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है उसको हम एसिड कहते हैं। बेस हम उसे कहते हैं जो OH नेगेटिव रिलीज करता है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है मेरे पास, ठीक है। अब अल्कोहल के केस में एसिडिक करेक्टर कब आएगा, जब वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा और मेरे पास बनेगा RO नेगेटिव को मैं कहता हूँ अल्कोक्साइड आयन। ये होती है मेरे पास अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ तक बात सिंपल। अब अगर इसके मैं एसिडिक करैक्टर की बात कर रहा हूँ तो ये कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, कितना कम एसिडिक होगा, कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, कितना इजीली ये एच पॉजिटिव रिलीज कर पा रहा है, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अल्कोहल। कोई अल्कोहल कितना ईजिली एच पॉजिटिव को रिलीज कर पा रहा है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। यहाँ तक बात सिंपल। अब समझते हैं इस मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। ये है मेरे पास ROH, ये है मेरे पास अल्कोहल, मेरे पास है ROH, ठीक है। अब मुझे पता है ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, सिंपल सी बात है। एक बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड बनाओ, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन दो। अब अगर H पॉजिटिव को अगर बाहर जाना है तो यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे छोड़ के जाएगा, तभी तो RO नेगेटिव बनेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तभी तो H पॉजिटिव मिलेगा। यहां तक बात सिंपल। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी कितनी है, उसी पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि जितना इजिली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर पाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जितना इजिली अपनी तरफ पुल कर पाएगा उतना इजिली तो एच पॉजिटिव बाहर निकलेगा। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और ऑक्सीजन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस अल्कोहल के अंदर, उसके अंदर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ तक बात सिंपल, यहाँ तक बात हमारी समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं अगर मैं बात करूँ इसके, मैं एसिडिक ऑर्डर देने की कोशिश करूँ कि कौन सा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा अल्कोहल कम एसिडिक है, वो कैसे दे पाऊँगा मैं,
अब मुझे सिंपल सा पता है कि जो ये ऑक्सीजन है, जो ये जो ऑक्सीजन है, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अल्कोहल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, अल्कोहल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पा रहा है, एच और एच के और एच पॉजिटिव को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, यहां तक बात सिंपल है, क्लियर है, मेरे पास ये बात सिंपल समझ आ रही है। तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है बच्चों? वो डिपेंड करेगी कि जो पीछे जो ग्रुप लगा है ऑक्सीजन के, जो पीछे ग्रुप लगा है वो कौन से लगे हैं, वो कौन से लगे हैं, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी पूरे अल्कोहल की एसिडिटी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी पूरे अल्कोहल की एसिडिटी। अब समझिएगा, जो एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास ये अल्कोहल है, मेरे पास ये COH सारी तरफ COH लगे हुए, ठीक है, यहां पे लगा है CH3 ग्रुप, यहां पे लगा है CH3 ग्रुप। अब अगर मैं यहां पे एक अल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो क्या होगा? अल्काइल ग्रुप क्या करता है? पॉजिटिव आई इफेक्ट देगा। तो अल्काइल ग्रुप कार्बन पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होती जाएगी। अब उसको इलेक्ट्रॉन यहां इस तरफ से मिल रहे हैं तो क्यों खींचेगा यहां से, जब उसको इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे हैं तो यहां से क्यों खींचेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। अब वैसे ही अगर मैं 1R की जगह 2R लगा दूं तो और कम होती जाएगी, और 3R लगा दूं तो और कम होती जाएगी। तो मेरा मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मिथाइल अल्कोहल से मैं प्राइमरी पे गया एसिडिटी कम हुई, सेकेंडरी अल्कोहल पे गया एसिडिटी और कम हुई, टर्शियरी अल्कोहल की एसिडिटी सबसे कम। क्यों? क्योंकि तीनों तरफ से आर ग्रुप लगा है, तीनों तरफ से पॉजिटिव आई इफेक्ट मिल रहा है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। अब उसको यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं तो फिर यहां से क्यों खींचेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है वो तो पूरा हो रहा है यहां से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? तो मेरे पास ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक मिथेनॉल, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। इसको मैं इस तरह से लिख दूं, मिथेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। यहां तक बात क्लियर, सिंपल बात क्लियर। अब इसको आप थोड़ा सा, अगर अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाह रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं तो एक चीज आप और सोच सकते हैं। ये तो मैंने बात की पॉजिटिव आई इफेक्ट की, पर सपोज अगर ये जैसे CH3 है, यहाँ पे ये जैसे R लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ऑलरेडी जैसे सपोज हैलोजन लग गई, क्लोरीन लग गई, यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगी? क्लोरीन तो उल्टा इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ वो अल्कोहल की एसिडिटी को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के एच पॉजिटिव को बाहर फेंकेगी। तो कोई भी ग्रुप जो नेगेटिव आई इफेक्ट दे रहा होगा, कार्बन पे वो लगा है तो अल्कोहल की एसिडिटी बढ़ेगी, और कोई भी ग्रुप जो पॉजिटिव आई इफेक्ट दे रहा है, कोई भी ग्रुप जो कार्बन के साथ लगा हुआ है और उस पर पॉजिटिव आई इफेक्ट दे रहा है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करेगा और उसकी एसिडिटी को भी कम करेगा। तो जनरल एसिडिटी का ऑर्डर मेरे पास क्या आया? मिथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। मिथेनॉल के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात सिंपल, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमें और ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या होता है? वो ये होता है कि अगर मैं जनरल कंपेयर करूं, ये तो मैंने अल्कोहल के अंदर ही कंपेयर किया कि प्राइमरी ज्यादा एसिडिक है, सेकेंडरी है या टर्शरी है या मिथेनॉल है, कौन ज्यादा एसिडिक है। पर अगर दूसरे कंपाउंड से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये वाटर से कम एसिडिक होता है, वाटर इससे ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर के बाद मेरे पास अल्कोहल आते हैं, पर ये अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होता है, प्लस एल्केन से ज्यादा एसिडिक होता है। अगर दूसरे कंपाउंड से मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो मेरे पास इस तरह का रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है, इस तरह का एसिडिटी का ऑर्डर आता है मेरे पास, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया और RH। इसमें एक चीज़ आप और याद ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा और अगर इसमें एक्स्ट्रा जानना चाह रहे हैं तो इसमें यह है कि मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल को छोड़ के ROH कम एसिडिक होता है वाटर से, पर मिथेनॉल जो है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। CH3OH जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, CH3OH, उसके बाद वाटर, उसके बाद बाकी अल्कोहल, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद एल्केन। ये मेरे पास एसिडिटी का ऑर्डर आता है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब इसी एसिडिक ऑर्डर की ही एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर जनरल रिएक्शन की बात करूँ, अल्कोहल रिएक्ट करता है मेटल के साथ और मुझे मिलता है मेटल की अल्कोक्साइड आयन प्लस हाफ H2 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर।
सॉरी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर, ये जनरल रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल। अल्कोहल रिएक्ट करता है मेटल के साथ, मेटल एल्कोक्साइड मेरे पास बनती है और मेरे पास में निकलता है बाहर वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बात करें हम तो ROH को अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ सोडियम के साथ, सोडियम के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ तो मुझे मिलता है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड और वाटर का सॉरी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर। तो ये तो जनरल थी पहला केमिकल रिएक्शन। एसिडिटी की बात हमने कर ली, अल्कोहल के एसिडिटी की बात हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे कि एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, और अल्कोहल बाकी मॉलिक्यूल से कम किससे कम एसिडिक है किससे ज़्यादा एसिडिक है, और इसका रिएक्शन विद मेटल जो है वो एसिडिक करेक्टर को डिफाइन करता है, जो जिससे हमें मिलती है मेटल की एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ तक हमारा पहला केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। अब दूसरे केमिकल रिएक्शन पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन के पूरे रिएक्शन को पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं उसके मैकेनिज्म के साथ। चलिए चलिए बच्चों, पहले केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, एसिडिटी हमने डिस्कस कर ली, अब आते हैं दूसरी पे। दूसरी मेरे पास है एस्टरीफिकेशन, अल्कोहल से एस्टरीफिकेशन का जो रिएक्शन है वो भी हमारे पास RO और H के बॉन्ड टूटने की वजह से ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है। एस्टरीफिकेशन हम किस रिएक्शन को कहते हैं? एस्टरीफिकेशन सिंपल बात अगर मैं करूं, जब एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करके रिएक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है RCOOR- जिसको हम कहते हैं ईस्टर, और निकलता है एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे रिएक्शन को हम नाम दिया है एस्टरीफिकेशन का। एस्टरीफिकेशन क्या होती है? जब अल्कोहल और एसिड आपस में मिलते हैं, अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, H और OH मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं और मेरे पास आता है ईस्टर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीफिकेशन। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं बच्चों, मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, मैकेनिज्म किस तरह से होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब मेरे पास है ये अल्कोहल, समझिएगा, ये है मेरे पास अल्कोहल, सॉरी ये है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है मेरे पास अल्कोहल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है अल्कोहल। अब क्या हुआ रिएक्शन के अंदर, क्या हुआ? इस एसिड का जो सी डबल बॉन्ड ओ है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड में है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे इस बॉन्ड के अपनी तरफ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया अपनी तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इस ऑक्सीजन पे आ गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होगी डेफिशिएंसी। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन पे गए, तो यहाँ पे होगी इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिखेगा? जहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस ROH के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे, समझिएगा इस चीज को। अब इस ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे है मेरे पास H पॉजिटिव, यहाँ पे है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को क्या चाहिए? H पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास क्या होगा? RC। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए हैं यहाँ से, तो बॉन्ड एक बॉन्ड तो गया टूट, एक बॉन्ड तो गया टूट, यहाँ से बॉन्ड तो गया टूट और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? H पॉजिटिव को, तो यहां बन गया OH, यहां बन गया OH, सिंपल। यहां वाला OH एज इट इज लगा हुआ, यहां वाला OH एज इट इज लगा हुआ, और यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीजन RH और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे छोड़ा है इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे रह गया, एक चला गया कार्बन पे, उस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन गए उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात सिंपल, यहां तक बात सिंपल। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज आया, अब इसको भी न्यूट्रलिटी चाहिए, इसको भी न्यूट्रलिटी चाहिए, क्योंकि चार्ज तो कोई भी अपने पास रखना नहीं चाहता है, कोई भी अपने पास चार्ज रखना नहीं चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बच्चों? एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, सिंपल यूनिवर्सल सत्य है। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी पास, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसका चार्ज तो खत्म, पर H पॉजिटिव हो गया बिना इलेक्ट्रॉन के, H पॉजिटिव हो गया बिना इलेक्ट्रॉन के, तो क्या होगा? यहां इसको दिख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इसको दिख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? अब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेके चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेके चला गया, ये जुड़ेगा यहां पे, ये जुड़ेगा इस वाले लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन देंगे हाइड्रोजन को, यहां से देंगे हाइड्रोजन को, तो मेरे पास क्या बनेगा? समझिएगा इस चीज को, सिंपल है। R मेरे पास ऐसे ही लगा है, OH यहां पे कुछ भी नहीं हुआ, यहां पे कुछ भी नहीं हुआ, यहां पे क्या हुआ? यहां पे मेरे पास OR-, यहां पे मेरे पास एज इट इज लगा हुआ है। अब H तो चला गया, H तो चला गया, तो यहां पे सिर्फ OR- बचा है, H तो मेरे पास जाके निकल गया,
अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ऑक्सीजन और H2, और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज क्यों आया इसके ऊपर, क्यों, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए। अब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब इसको भी चाहिए न्यूट्रलिटी, इसको भी चाहिए न्यूट्रलिटी, तो न्यूट्रलिटी के लिए ये क्या करेगा, न्यूट्रलिटी के लिए अब ये क्या करेगा, इसको भी चाहिए न्यूट्रलिटी, तो इसकी ये क्या करेगा न्यूट्रलिटी के लिए ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास। अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, तो इस ऑक्सीजन को कहेगा भाई जो इलेक्ट्रॉन दिए थे वो वापस दे दो, जो इलेक्ट्रॉन दिए थे वो वापस दे दो। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर है कहेगा जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो मेरे को वापस कर दो, वो मेरे को वापस कर दो, तो मेरे पास क्या बनेगा, समझिएगा इस चीज को, देखिए कैसे, आर एज इट इज, आर एज इट इज, कार्बन लगा है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया अब पॉजिटिव चार्ज, क्यों, इसने इलेक्ट्रॉन कार्बन पे दिए हैं, और मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, कि OH2O बाहर निकल गया, और मेरे पास बचा है OR डैश एज इट इज, OR डैश एज इट इज, ठीक है, यहां तक बात सिंपल। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई हाइड्रोजन जो मैंने शुरू में इलेक्ट्रॉन दिए थे, जो मैंने शुरू में इलेक्ट्रॉन दिए थे, अब मैं तेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा वापस, वो मैं इलेक्ट्रॉन अपने लूंगा वापस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश मेरा ईस्टर, और मेरा जो एच पॉजिटिव था जो एज ए कैटलिस्ट था वो एज इट इज मेरे को रिकवर हो गया, जो हमने कैटलिस्ट एच पॉजिटिव शुरू में यूज किया था वो एज इट इज रिकवर हो गया और मेरे पास बन गया ईस्टर। इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं ईस्टरीफिकेशन, ये था पूरा मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ आएगा। और लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम अगली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों आर ओ और एच की आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहां तक मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर करें बच्चों, ताकि मुझे लगता रहे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे केमिकल रिएक्शन पे। तीसरा केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब आगे बच्चों हमारे पास अल्कोहल की ये तीसरा केमिकल रिएक्शन आ गया आर ओ और एच के बॉन्ड के टूटने से जो हमारे पास आता है, इसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, सिंपल एक डेफिनेशन बात करूं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो सिंपली हमें पता है हम कहते हैं या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, यहां तक बात सिंपल है, ठीक है। अब जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं, या तो हम यूज करेंगे KMnO4 या CrO3, क्रोमियम की ऑक्साइड CrO3, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कंपैरेटिवली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये होती है ऑक्सीडेशन के अंदर, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के अंदर दूसरी बात ये होती है कि हमेशा उस अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन से मेरा मतलब क्या है कि OH के जो साथ में कार्बन लगा उसको हम कहेंगे अल्फा पोजीशन, उस अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना मस्ट है, जिसका रिमूवल होगा तभी ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की मस्ट कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन होनी ही होनी चाहिए उस अल्कोहल के पास, उसकी अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन लगा है उसके पास हाइड्रोजन होनी ही चाहिए, अगर हाइड्रोजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे उस अल्कोहल की। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब बारी बारी बात करते हैं, पहला में ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, क्या प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, और क्या चीजें ऑक्सीडेशन में होती है। पहली बात करता हूं मैं, ये है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊं, तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन रिमूव होगी और एक अल्फा पोजीशन की हाइड्रोजन रिमूव होगी पहले स्टेप में, मेरे पास बनेगा एल्डिहाइड,
तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, पहला प्रोडक्ट क्या मिलता है, पहला मिलता है एल्डिहाइड। और उस एल्डिहाइड के जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, अभी भी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन बची हुई है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन बची हुई है, इस अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन की बचने की वजह से अगर ऑक्सीडेशन फर्दर ऑक्सीडेशन पे हमें मिलता है एसिड, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक बात सिंपल। प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलेगा अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसकी, तो पहले एल्डिहाइड मिलेगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है, ये बात सिंपल। अब अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जब रिमूव होगी, हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो मेरे पास आएगा कीटोन, मेरे पास आएगा कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से मुझे मिलती है कीटोन। अब यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है नहीं, तो आगे रिएक्शन कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगी, आगे कोई भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और सिमिलरली अगर टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन के तीनों पोजीशनों पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों पोजीशनों पे अल्काइल ग्रुप लगे हैं, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं होती है, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, ऑक्सीडेशन से हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, ये बात क्लियर, यहाँ तक बात सिंपल, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसी को लेते हुए अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं, अगर मैं KMnO4 यूज़ कर रहा हूं, अगर मैं KMnO4 यूज़ कर रहा हूं, पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर रहा हूं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेरी ऑक्सीडेशन जाएगी एंड तक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक। पर अगर मैं CrO3 यूज़ करूँ, CrO3 यूज़ करूँ, तो मेरा रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आगे भी वो ऑक्सीडेशन कर पाए, तो मुझे मिलेगी एल्डिहाइड तक ही। तो सिंपल डिफरेंस क्या है, अगर प्राइमरी अल्कोहल की मैं KMnO4 से करूँगा तो मुझे एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, और सिंपल CrO3 से करूँगा तो मेरा रिएक्शन रुक जाएगा सिर्फ एल्डिहाइड तक। पर कीटोन के केस में चाहे मैं KMnO4 से करूँ, चाहे मैं KMnO4 से करूं, चाहे मैं CrO3 से करूं, किसी से भी करूं, मुझे लास्ट में प्रोडक्ट यहीं पे जाके रुक जाएगा, मेरा प्रोडक्ट लास्ट में यहीं पे जाके रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे तो ऑक्सीडेशन होनी ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं, तो उसके बाद आगे ऑक्सीडेशन होगी ही नहीं। तो इसके केस में जब प्राइमरी अल्कोहल से अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए तो मैं CrO3 प्रेफर करूंगा, KMnO प्रेफर नहीं करूंगा, और मुझे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो मैं KMnO4 प्रेफर करूंगा। तो बच्चों ये था मेरा पूरा का पूरा लेक्चर था हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल इंक्लूडिंग क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, RH बॉन्ड के क्लीवेज पे जो केमिकल रिएक्शन अल्कोहल के होते हैं वो सारे के सारे हमने आज डिस्कस किए। कोई भी डाउट होगा आपको तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की।